हेलो, गुड इवनिंग। आप कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हैप्पी धनतेरस। क्योंकि आज मैंने सुबह से वीडियो नहीं बनाई थी, कई दिनों से वीडियो नहीं बना रही थी। अहोई अष्टमी से मैंने वीडियो शूट नहीं की है क्योंकि थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी अपनी। और आज है धनतेरस और आज हमने बहुत 10,000 की शॉपिंग की है। 10,000 की शॉपिंग की है तो मैं अभी दिखाती हूँ हमने क्या क्या लिया है 10,000 का। तो अभी आए हैं हम शॉपिंग करके। वैसे मेरा मन नहीं था पर मेरे को एक चीज़ ज़रूरी लेनी थी, वो चीज़ लेने गई। कुछ कल लेना है थोड़ा बहुत सामान, तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ पहला कैसा पड़ा है। आप देखेंगे तो देखिएगा इस, पहले तो ये दिखा देती हूँ मैं कैसा फैल रखा है सामान पूरी तरीके से। पूरे बेड पर ना बच्चे ऐसा करते हैं ना जैसे कि सामान देखा ही नहीं होगा। तो एक तो मैं ये लेकर के आई हूँ, अभी मैं एक एक बारी बारी से दिखा देती हूँ। ये है अप्पे पेन, इसकी मेरे को बहुत ज़्यादा इच्छा थी लेने की तो ये मैंने अप्पे पेन लिया है एक तो। और एक ये ग्रोसरी का सामान है और तो ये, और ये हमको मिली है गिफ्ट में। ये ज्वेलर्स जिससे हम थोड़ा बहुत सामान लेते हैं उससे मिली है गिफ्ट में वॉच। और ये ग्रोसरी का है सामान जो भी है अभी पड़ा है। और ये मिठाई के डब्बे हैं जो हमने देने हैं कुछ अभी, इन्होंने सेम ही है ये, कुछ इन्होंने अंदर रख दिए हैं, चार ये हैं, चार अंदर रखे हुए हैं। कुछ सामान अभी ग्रोसरी का, और ये ख़रीदा है मैन जो है मेरे लिए ये है। अभी सामान जो है बिखरा पड़ा है, मैं आपको पूरे तरीके से नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा है। और ये मैंने लिया है गैस चूल्हा, क्योंकि मेरा गैस चूल्हा जो थोड़ा सिंपल था, जो कनेक्शन के साथ में मिलता है वही था, सिंपल था, और मेरे को इस चूल्हे की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी तो ये मैंने लिया है प्रेस्टीज का। और ये है 6,000 शायद 899 का कुछ इसी टाइप से है ये। और ये इसकी 2 साल की वारंटी है, 3 वो हैं इसमें, इसमें भी कई वो आती हैं पर ये मेरे को पसंद आया और ये लिया है मैंने। 3 चूल्हे वाला है ये और काफ़ी बड़ा साइज है। तो आज मेरी इच्छा जो है धनतेरस के दिन पूरी हुई है आज मेरी इच्छा। तो अभी हमें लेट भी हो चुका है, खाना भी नहीं अभी बनाया है। और एक जो मैन होती है, अभी अब मेरा सामान ना ऐसे ही फैला पड़ा है, मैन जो होता है ये मैंने झाड़ू भी लिया है, ये फूल झाड़ू है, ये सीख वाला है। और अभी मैंने चांदी भी ख़रीदी है पर मेरे को दिखाई नहीं दे रही है, मैंने कहाँ रख दिया है कहाँ नहीं रखा है, उधर है इधर मैगी के नीचे देखो। तो गाइस मैंने ख़रीदे हैं बिछुए चांदी, ये अभी दिखा देती हूँ। मेरा सामान ना ऐसे ही फैला पड़ा है तो उसे इग्नोर करना थोड़ा सा, अभी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है अभी और वीडियो भी मैं ऐसे ही बना रही हूँ। ये मैंने बिछुए ले लिए थे चांदी का सिक्का, तो मेरे पास काफ़ी सारे रखे हुए हैं तो कुछ ख़रीदना था तो मैंने ये ले लिए हैं। बताना ज़रूर क्योंकि मैं इसी टाइप के पहनती हूँ तो मैंने ये लिए। वैसे मैंने करवा चौथ पर भी लिए थे पर ये मेरे को पसंद आए तो मैंने ये ही ले लिए। और एक लिए है मैंने ये जैसे हम कीर्तन वगैरह या कुछ भी करते हैं या खाने के लिए रखते हैं तो ये मैंने ड्राई फ्रूट के लिए लिए है ये, तो ये भी मेरे को अच्छी लगी। तो अभी इग्नोर करना, मेरा सामान जो है मैसी हो रहा है, अभी मैं इसको सेट करूँगी। तो अभी मैंने ऐसे दिखाया आपको। तो ये है आज की मेरी जो धनतेरस वाली शॉपिंग है और हमारी तैयारी पैकिंग वगैरह भी हो चुकी है। वैसे हम कल छोटी दीपावली यहीं पर मनाएंगे और बड़ी हम आपको बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं, हम छोटी यहीं पे मना रहे हैं। हमने ऑलरेडी पूरा सामान लिया है जो भी लेते हैं कल। तो गाइस कुछ सामान जो है कल लेकर के आएंगे, जैसे कि पटाखे वगैरह, जो एक दो सामान लेना है मैंने, थाली लेनी है अभी तो वो मैंने कल लेनी है क्योंकि ये मैन हो गया, धनतेरस का था पर ये मैन ले ये हो गया। और मैं धनिया भी लेकर के आई हूँ, धनिया भी बोलते हैं ना धनतेरस के दिन शुभ होता है, तो मैं साबुत धनिया भी लेकर आई हूँ। ग्रोसरी के सामान में ना थोड़ा सा मिक्स हो रहा है, अभी दिखा नहीं पा रही हूँ और मेरे को लग रहा है फैला पड़ा है कैसे समेटना है। तो
ये था, कल हम छोटी वाली यहीं पे धूमधाम से मनाएंगे और बड़ी वाली को वो आपके लिए सरप्राइज़ होगा, तो वहाँ जाके मनाएंगे। इस बार जा रहे हैं, वैसे मैं 2-3 साल से नहीं जा रही थी कहीं भी त्यौहार पे, तो इस बार जा रहे हैं। तो और अभी बाहर का भी मैं दिखा देती हूँ, बाहर का कैसा वो है, तैयारी हमने कैसे की है, लड़ी वगैरह लगा दी है हमने। तो गाइस हमने जो है इस तरीके से लगाई है लड़ी, इधर हमने छोटे वाली लगाई है और ये बल्ब भी लगाया है जो ये कलरफुल जो रहता है ये वाला भी लगाया है, और इधर इधर की साइड भी लगाई है। अभी दिखा देती हूँ मैं आपको, इधर की साइड भी लगाई है, उधर कैमरा नहीं जा रहा, इधर की साइड भी ये वाली साइड भी हमने पूरी लगाई हुई है, और ये वाली यहाँ हमने कलरफुल लगाई है, यहाँ वाली वैसी लगाई है, और ये कलरफुल वाला बल्ब भी लगाया हुआ है। तो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये मेरे बेटे ने ही लगाई है, इसने जुगाड़ किया है, और इतने अच्छे से बिजली का काम कर लेता ना, 12 साल का है और बहुत अच्छे से कर लेता है वो। ये बल्ब भी यहाँ तक कि चेयर पे चढ़ के उसी ने लगाया है। तो गाइस अभी हस्बैंड लगा रहे हैं गैस चूल्हा, और मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि मैं कई दिन से किसी की वीडियो वगैरह में भी नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि एक तो हमारा ना क्या हुआ, दिमाग ख़राब इसलिए भी होता है, बार बार में वाईफाई का तार कट जाता है। वाईफाई चला के देखा प्रियंशी, वाईफाई वाले वो कर गए वाईफाई का देख चला के, तो क्या होता है कि वाईफाई हम जैसे ही थोड़ा सा ठीक से आने लगता है, रेंज ठीक आने लगती है तभी, अब तब तो पोल चेंज कर सॉरी तार चेंज कर रहे थे पोल से, और अब क्या हुआ कि वो जो पुराने पोल थे ना उनको उखाड़ दिया गया है, उनको तार जैसे लग रहे थे ऊपर से ऑर्डर आया होगा, और क्योंकि रोड चौड़ीकरण हो रहा है रोड का ना, तो जैसे ही ऊपर से ऑर्डर आया होगा तो JCB मंगाई उन्होंने, और JCB से पूरे पोल उखाड़ दिए जैसे ही तार लग रहे थे। बिजली के तो हटा लिए थे उन्होंने, जैसे कि वाईफाई वगैरह के अपनी अपनी कंपनियों के, एयरटेल वाले तो आ गए थे, उन्होंने तो तुरंत के तुरंत अपने तार ट्रांसफ़र कर दिए थे, पर जियो वाले नहीं आए थे। मेरा जियो का है वाईफाई, और उसमें क्या हुआ कि जैसे ही पोल उखाड़े और पोल नीचे गिरे सब तार टूट गए, और मेरे करीबन 1 हफ्ता हो चुका है वाईफाई को ख़राब हुए, ख़राब क्या तार निकले हुए, वैसे तो ख़राब नहीं है। तो अभी मैंने क्या किया है कि अभी मैंने नेट भी डलाया हुआ है, और मैं हस्बैंड का भी नेट यूज कर लेती हूँ, तभी भी मेरा कुछ काम नहीं चलता क्योंकि बच्चे भी काम करते हैं और मैं भी थोड़ा बहुत चलाती हूँ, और मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रही हूँ, मैं शॉर्ट्स वगैरह डाली है मैंने, वीडियो भी नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि टाइम भी नहीं है, और थोड़ा सा तबीयत भी आजकल मतलब डाउन चल रही है, क्या बोलूँ, तो तबीयत तबीयत बोलोगे तो आप बोलोगे रोज़ तबीयत ही बोलती है, तो मेरी तबीयत स्पेशल है जो कि मिनट भर में अच्छी हो जाती है, मिनट भर में ख़राब हो जाती है, उसका कुछ पता नहीं है। तो हाँ, मिठाई वगैरह के डब्बे हम ला चुके हैं, तो मिठाई तो कल बांटनी है, ये हाँ कल तो संडे है तो हस्बैंड की छुट्टी है, वही बांटेंगे, मैंने कहीं नहीं जाऊँगी, और कल मेरे बेटे का बर्थडे भी है 23 में, हाँ 23 अक्टूबर में है उसका बर्थडे, तो कल बर्थडे भी है, छोटी दीपावली भी है, तो हमारे लिए तो दो स्पेशल हो गए। और परसों हम सुबह में निकल ही जाएंगे, तो जैसे मैं मनाती हूँ धूमधाम से, जैसे मैं बड़ी मनाती हूँ वैसे ही, जैसे मैं धनतेरस करती हूँ वैसे ही मैंने किया है, पर थोड़ा सा सामान इग्नोर करना इसको, जैसे बच्चे ना ऐसा करते हैं, जैसे सामान आया ऐसे ही पूरा बेड पे फैला देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं हमारे लिए क्या आया है, तो इन्होंने पूरा बेड पे फैला दिया था, तो उसको इग्नोर करना, ऐसे ही दिखा दिया जैसे मैं, क्योंकि मैंने रियलिटी दिखाई है, कोई भी बनावट वो नहीं दिखाया, रियलिटी दिखाई है, तो जो बच्चों की हरकत होती है वो दिखाई है, जैसे बच्चे सामान आते ही अफरा तफरी मचा देते हैं, क्या क्या लाए हैं क्या क्या नहीं। तो मेरे लिए आज जो 2 स्पेशल सामान थे वो आ चुके हैं, अपीपेन और जी गैस चूल्हा, और गैस चूल्हा मेरे को यही पसंद आया था, एक बजाज का भी था वो शायद 4999 का था, पर उसकी वारंटी जो है 1 साल की थी, और ये 7000 के अराउंड है, तो इसकी वारंटी जो है 2 साल की है,
तो इसीलिए इसको मैंने लिया है 2 साल वाली को। और अगर 2 साल की है कि अगर ग्लास जो शीशा रहता है इसका, अगर वो चटक जाता है तो कंपनी उसको आपको दूसरा चूल्हा देगी, न्यू चूल्हा देगी, इसको रिटर्न कर लेगी। तो ये है। तो चलिए गाइस, काफ़ी देर हो गई, मिलते हैं कुछ देर के बाद। अभी चूल्हा लगा रहे हैं, देखते हैं क्या बनाएंगे क्या नहीं। दूध का कुछ, या दूध गर्म करती हूँ, पहली बार चूल्हे पे पूजा करते हैं चूल्हे की। अभी काफ़ी रात हो चुकी है, वैसे 10:15 के अराउंड हो रहे हैं। हम आए तो थे, हम क्या बोलते हैं, 9 के अराउंड आए थे हम। हाँ, 9 के अराउंड आए थे हम, पर हम आइसक्रीम लाए थे तो वो ऐसे ही बैठ करके बच्चे सामान देखने लग गए, हम उसको थोड़ा सा खाने लग गए। तो ऐसे ही करते करते 9:45 हो चुके हैं। तो अभी मैंने सब्जी वगैरह बन गई है, आटा भी हुआ रखा है, तो अभी मैंने रोटी बनानी है और उसके बाद जो भी होगा। और कल मैं अप्पे भी बनाऊंगी, ये इसकी खुशी मुझे ना सबसे ज़्यादा है। ये इसको ना मैं बार बार, इतना मेरे को चूल्हे की वो भी नहीं है जितना मेरे को ये अच्छा लग रहा है। मतलब 2-3 सामान जो मेरे लिए ज़रूरी थे, अप्पे पैन और जी ड्राई फ्रूट का वो जो क्या बोलेंगे उसको, मेरे को पता नहीं है, जो भी बोलेंगे। तो एक वो है और जी एक चूल्हा जो मेरे लिए स्पेशल थे, और आज वो आ भी चुके हैं। और घड़ी साथ साथ में घड़ी भी आ चुकी है, घड़ी, और बहुत अच्छी क्वालिटी है घड़ी की, और 1 साल की गारंटी भी है इसकी। घड़ी बहुत अच्छी क्वालिटी है, इसमें उल्टा नाम दिख रहा है, जो भी जिस ज्वेलर्स का नाम है ये ना, और हॉलमार्क का निशान भी है। और ये देखिए पीछे ना, ये सेल के इसमें ढक्कन भी है। तो ये ना घड़ी ऐसी लग रही है यूज करने लायक लग रही है, ऐसा नहीं है जैसे कि गिफ्ट है, तो ऐसा नहीं है, गिफ्ट है पर अच्छी क्वालिटी का है। मैंने बोला था क्योंकि उन्होंने पिछली बार जो दिया था हमको, तो वो क्या था, एक पानी वाला जग जो होता है छोटे वाला, इतना बड़ा था वो था, और इतने इतने छोटे छोटे जो हम बोले थे दारू वाले गिलास दिए आपने हमें, तो वो इतने इतने छोटे छोटे 4 गिलास थे। तो इस बार वो दे कुछ और रहे थे शायद से, क्योंकि एक अच्छा होता है जो उनके परमानेंट ग्राहक होते हैं उनके लिए, और जो आज ही खरीद रहा है तो उनके लिए 2-3 गिफ्ट इस टाइप के रखते हैं वो। तो मैंने बोला भाई अच्छा से देना जो भी देना है, वरना मत देना तुम, कोई बात नहीं, हम सामान लेते हैं आपसे। तो उन्होंने बोला कि आप परमानेंट ग्राहक हैं तो आपके लिए ये है। और वैसे हर तरीके के रखते होंगे, मैं नहीं जानती हूँ, मैंने पर 2-3 टाइप के देखे थे उनके पास में। तो चलिए अभी मिलते हैं कुछ देर के बाद। तो गाइस, कोई भी इस तरीके से ना माने, क्योंकि मैं किसी की वीडियो पर भी, किसी की भी वीडियो पर नहीं जा पा रही हूँ, किसी की भी, अपनी भी शॉर्ट्स डाल रही हूँ, जो भी हो रहा होगा आ रहा होगा, और मेरे डॉलर वगैरह सब कुछ कटते जा रहे हैं, सब ख़त्म हो रहा है। और शॉर्ट्स डाल रही हूँ मैं बस, और कुछ नहीं है। मेरी जो वही अष्टमी की वीडियो है वो भी नहीं डाल पा रही हूँ मैं, क्योंकि ऐसा ही चल रहा है मेरा, थोड़ा सा ऊपर नीचे है। और एक फिर मेरे को थोड़ा सा एक ना सुनने को मिला, किसी का कुछ हादसा भी हो गया था, तो उससे भी थोड़ा सा मेरा माइंड ख़राब हुआ। तो मैं वीडियो में नहीं बताऊंगी, क्योंकि हर कोई नहीं चाहता है कि बातें बताए, तो माइंड ना ख़राब हो जाता है किसी बात को लेकर। मेरा तो बहुत जल्दी होता है, मैं एक बात को ही रिपीट बार बार, मैं वो ही रिपीट अपने आप ही होती रहती है, ऑटोमेटिक ही रिपीट होती रहती है वो बातें जो एक बार मेरे सामने हो जाए, सॉरी, तो वो ना रिपीट होती रहती है। तो चलिए अभी चूल्हा लग रहा है, जब तक लगता है चूल्हा तब तक हम भी देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद जो है रोटी बनाएंगे और फिर खाएंगे, फिर सो जाएंगे, क्योंकि कल है संडे और छोटी दीपावली भी है, मेरे बेटे का बर्थडे भी है, तो कल सुबह जल्दी उठना है। वैसे मेरी क्लीनिंग में आज फाइनली वो हुआ है, मेरे क्लीनिंग मेरी जो है आज ख़त्म हुई है, क्योंकि मैं कम से कम 20 दिनों से लगी हुई थी, आपको यकीन नहीं आएगा, 20 दिनों से लगी हुई थी। सुबह दिखाऊंगी, अभी मेरा फैला पड़ा है, सुबह दिखाऊंगी मैंने क्या क्या क्लीन किया है, क्या क्या नहीं किया है।
और मैंने घर का जो कोना कोना होता है वो सुखा दिया है। जो कपड़े होते हैं ना मैं हर बार सुखाती हूँ, मैं सुखा के रखती भी हूँ कपूर डाल करके, और जैसे निकालती हूँ मैं गरम सब सुखाती हूँ। तो मैंने सब कपड़े सुखाए हैं, और जो गर्मी वाले कपड़े हैं वो रखे हैं सुखा करके, जो छोटे हो रहे हैं उनको निकाला है सप्लाई, मतलब किसी को देने के लिए या कुछ भी मानो, जो छोटे हो रहे हैं बच्चों को तो वो निकाले हैं। और जी क्या बोलते हैं, मतलब पूरा मैंने सारा घर सुखा दिया है जितना मेरे से हुआ है। पूरा मैंने किचन मेरा 3-4 दिन लगे हैं। वैसे मैं करती रहती हूँ, ऐसी भी बात नहीं है, मैं डीपली क्लीनिंग चलती रहती है ऐसी, पर फिर भी मन नहीं मानता। जब एक बार घर साफ करने लग जाओ तो मन नहीं मानता है। और मेरे को 20 दिन हो चुके हैं, मैं नवरात्रों से पहले से ही लग रही हूँ सफाई करने में, क्योंकि मैंने नवरात्रों में तो सुखाए थे जैसे मेरे स्वेटर वगैरह, बच्चों के स्वेटर वगैरह ये सब सुखाए हैं। और दोबारा से क्योंकि कपूर जो है वो उड़ जाता है, छोटी 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 गोलियाँ मिली थी मेरे को, तो अब मैंने दोबारा से कपूर ला करके दोबारा से सुखा सुखा करके जो मैंने यूज करने हैं वो निकाले हैं, और जो यूज नहीं, जो कभी कभी यूज होते हैं उनमें मैंने कपूर डाल के दोबारा से रखा हुआ है। तो मेरी क्लीनिंग फाइनली आज ही हुई है, जो कि मैंने आज बाल्टी टब वगैरह सब धुल करके धूप में सुखा करके तब अंदर रखे हैं, और बाथरूम वगैरह भी मैंने आज फाइनली आज मेरा क्लीन हुआ है घर पूरी तरीके से। पर अब हम 4-5 दिन के लिए जाएंगे तो शायद फिर ऐसी हो जाए, तो कुछ पता नहीं है फिर ऐसी हो जाए, पर मैं सारी खिड़की दरवाजे बंद करके जाऊँगी। तो चलिए अब करती हूँ मैं थोड़ा सा पूजा वूजा कर लेते हैं,